जो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं नाम निखिल सैनी और आप देख रहे हैं टेक्नोकिंग यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको टेलीग्राम के इस लिंक प्रॉब्लम को सॉल्व करना बताऊंगा। अगर आपका भी टेलीग्राम पर चैनल है और आप किसी को लिंक शेयर करते हैं व्हाट्सअप पर या फिर इंस्टाग्राम पर, तो आपके लिंक से आपका लिंक रीडायरेक्ट नहीं होता आपके चैनल पर। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सब बताऊंगा। आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको विंडो 10 डाउनलोड करना है या फिर विंडो 10 एक्टिवेट करना है, विंडो 8 एक्टिवेट करना है, तो मैंने उस पर अलग से वीडियो बना रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन में उसका सजेशन आ जाएगा, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। तो अब चलते हैं हमारी मोबाइल की स्क्रीन की तरफ, देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं हमारी मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। पहले आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर आ जाना है। टेलीग्राम चैनल पर आने के बाद आपको अपना चैनल सर्च करना है। यहाँ पर इंटरनेट स्पीड थोड़ी स्लो है, तो आपको अपने चैनल पर आने के बाद आपको यहाँ पर लिंक का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको टैप करना है और कॉपी लिंक पर टिक कर देना है। अब आपको क्रोम पर आना है, अपने गूगल क्रोम पर आ जाना है आपको। क्रोम पर आने के बाद आपको इस लिंक को यहाँ पर पेस्ट करना है और सर्च पर टिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम आ रही होगी। अब इसको फिक्स कैसे करते हैं, आपको अपने लिंक को ओपन करना है, जो भी आपका लिंक है एडिट पर जाना है आपको, टी के आगे आपको ये टाइप कर देना है, TELEGRAM आपको पूरा टेलीग्राम टाइप कर देना है और अब आपको सर्च करना है। तो आप देख सकते हैं आपका चैनल आ चुका है। इस तरीके से आप भी अपने लिंक को री एडिट कर सकते हैं और अपने चैनल को रीडायरेक्ट कर सकते हैं इस लिंक की मदद से। तो आपने देख ही लिया होगा, इस तरीके से आप अपनी टेलीग्राम की लिंक की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और अब आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं। आपका कोई भी रीडायरेक्ट नहीं होगा, पेज रीलोड नहीं मांगेगा, आपका रीडायरेक्ट होगा आपके चैनल पर डायरेक्ट, उस लिंक से आपका चैनल ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप भी अपने लिंक की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो में।